हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग इस वीडियो में बजट 2023-2024 डिस्कस कर रहे हैं और उनमें से मेनली एक नई कॉन्सेप्ट जो है सप्तर्षि टारगेट उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो प्रायोरिटी 5 है ग्रीन ग्रोथ उसको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले 4 वीडियोज में हम लोगों ने प्रायोरिटीज 1 से लेकर 4 तक डिस्कस कर लिए हैं। तो आप लोग प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा, आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस बार एक्चुअली बजट में एक नई कॉन्सेप्ट जो है सप्तर्षि टारगेट, जो 7 अलग अलग स्कीम से रिलेटेड अलग सेक्टर में ये टारगेट को एक्चुअली मेंशन किए गए थे। तो इसमें अलग अलग 7 प्रायोरिटी एरियाज को डिस्टिंग्विश की गई थी यहाँ पे। तो इनमें से ऑलरेडी हम लोगों ने जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, देन अनलिशिंग द पोटेंशियल, इन 4 टॉपिक्स को डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग जो है 5वां टॉपिक जो ग्रीन ग्रोथ उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो टॉपिक्स हैं उनको आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ ये टॉपिक क्या समझाने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है वो आपको समझ में आ जाएगी। और मेनली यही चीज़ जो आपको अलग अलग एग्जाम्स में, जैसे कि मेंस में इकोनॉमी हो गई या एनवायरमेंट गवर्नेंस, ऐसे सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो ग्रीन ग्रोथ, जैसे कि नाम से ही पता लग सकता है कि ग्रीन एनर्जी को प्रोडक्शन करने के लिए जो प्लानिंग की गई है उसके बारे में यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो इस फील्ड में 19,700 करोड़ जो है एलोकेट किए जाएंगे बेस्ड ऑन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ताकि देखिए, जो इकोनॉमी में हम लोग अभी भी जो है फ्यूल इकोनॉमी के साथ काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, हालांकि 40% तक हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जितना एनर्जी पूरे भारत में जरूरत होती है उनमें से 40% तक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से हम लोग जो है अचीव करने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन इसको और भी आगे बढ़ाना है ताकि जो है कार्बन इंटेंसिफाई करके हम लोग जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या अलग अलग एमिट करते रहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, उसको कंट्रोल किया जा सके। फॉसिल फ्यूल जो है, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, वो सब लोग जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसको कंट्रोल किया जा सके, फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस को कम किया जा सके, और भारत को अपने जो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा के जो सनराइज सेक्टर है, यानी कि अलग अलग वो हो सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गई, आईटी सेक्टर हो गई, जो सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उनको यहाँ पे मदद किया जा सके। तो इसमें प्लानिंग किया गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है 2030 तक जो है एक एनुअल प्रोडक्शन 5 MMT तक किया जा सके। नेक्स्ट बात करेंगे जो गोवर्धन स्कीम। तो ये मेनली देखिए, गोवर्धन स्कीम अलग अलग तरीके से प्लानिंग की गई है यहाँ पे। तो मेनली देखिए, इसका जो है वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि जो वेस्ट है उससे वेल्थ कैसे प्रोड्यूस किया जा सके। तो 500 ऐसे नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स जो है अंदर गोवर्धन स्कीम जो है वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे, ताकि सर्कुलर इकोनॉमी, 200 कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट्स जो है उसको एस्टेब्लिश किया जा सके। उसके साथ 300 कम्युनिटी क्लस्टर बेस्ड प्लांट, यानी कि जो भी काउडंग या ऐसी चीजें हैं जो कंप्रेस गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक में मदद हो सके। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इस स्कीम के 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे 5% जो यहाँ पे कंप्रेस बायोगैस है मैंडेट, वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू नेचुरल एंड बायोगैस को यहाँ पे मार्केटिंग भी की जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे जो भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। तो देखिए, यहाँ पे प्लानिंग की गई है कि आने वाले 3 सालों में लगभग 1 करोड़ फार्मर्स को फैसिलिटेट किए जाएंगे, ताकि जो फार्मर्स जो है नेचुरल फार्मिंग को अपनाते हैं। अगर आप देखेंगे विदेशों में, आप जब भी सुपरमार्केट में जाएंगे तो नॉर्मल कुछ भी वेजिटेबल जो वो वेजिटेबल आप खरीदेंगे, कुछ भी वेजिटेबल हो गए, उसके आसपास ऑर्गेनिक वेजिटेबल का सेम एक पैकेट होता है, जहां पे यानी कि ये पर्टिकुलर वेजिटेबल ऑर्गेनिक है, इसमें जो भी मैन्योर या फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा है ये ऑर्गेनिक है। तो बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं कि भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे 100% डिपेंडेंट है, यानी कि 100% ऑर्गेनिक है। तो इसी को प्रमोट करने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर जो है उसको सेटअप किए जाएंगे, और नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग द माइक्रो फर्टिलाइजर और जो पेस्टिसाइड जो नेचुरल तरीके से यूज किए जाएंगे, जैसे कि नीम कोटेड यूरिया पॉलिसी, ऐसे आपने सुने ही होंगे, डेफिनेटली इसके हिसाब से भी इनको इंट्रोड्यूस किए जाएंगे।
अलग अलग इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग द ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन लगभग ना के बराबर है, उसको यूज करने के लिए क्या क्या प्लान की गई है। तो यहाँ पे 35,000 करोड़ जो है प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाएगी ताकि एनर्जी ट्रांजिशन या नेट जीरो ऑब्जेक्टिव यानी कि कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो सके, एनर्जी सिक्योरिटी मिल सके यानी कि जितनी भी एनर्जी है भारत खुद अपने आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के साथ यहाँ पे मिलकर काम किए जाएंगे। अलग अलग यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है उसको जो है सेटअप किए जाएंगे ताकि 4000 मेगावाट आवर उसको प्रोड्यूस किया जा सके रिगार्डिंग द वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग ऐसे कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जो टर्म एक्चुअली आपको समझना चाहिए। तो देखिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हिसाब से हो गई यहाँ पे पीपीपी हो गई या फिर अलग अलग सेक्टर में उनके पास एबिलिटी है लेकिन फंडिंग की जरूरत होती है, तो इस तरीके से फंडिंग करके ये फंडिंग कोई भी कर सकता है तो उसको जो है मेन ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए मदद मिल सकती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इस प्रोसेस में लगभग 20,700 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट की जाएगी, उसमें से सेंट्रल सेक्टर सपोर्ट करेगी लगभग 8,300 करोड़ और इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू यहाँ पे ग्रीड इंटीग्रेशन यानी कि अलग अलग तरीके से उसको कनेक्ट किया जाएगा और इवैक्यूएशन भी किए जाएंगे और 13 गीगावाट तक भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है। स्पेशली यहाँ पे लद्दाख के बारे में मेंशन किया गया है। तो देखिए कभी कभी ऐसे प्रश्न आपको प्रीलिम्स में भी सीधे सीधे बन सकते हैं। तो ये था हम लोग का एनालिसिस रिगार्डिंग द प्रायोरिटी 5 ऑफ ग्रीन ग्रोथ। तो ऑलरेडी 5 प्रायोरिटी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं और 2 बाकी है, आने वाले वीडियोस में हम लोग उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये सब जो है एक अलग अलग वीडियो में बनाने की डिस्कस करने की मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हर आपको टारगेट्स हर प्रायोरिटी को इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि एक ही साथ एक ही वीडियो में अगर हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया तो वीडियो बहुत बोरिंग या फिर लंबा भी हो सकता है और वीडियो की वैल्यू भी कम हो सकती है। हर प्रायोरिटी की अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्कीम्स को यहाँ पे टारगेट किए जा रहे हैं ताकि इसको आपको ठीक से समझ में आ सके, उसके लिए उसको अलग अलग वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।